चंबा के बकलोह में शुक्रवार को स्थानीय लोगों और चतुर्थ गोरखा राइफल के जवानों के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा बकलोह के चिलामा रोड स्थित प्राचीन गुरु गोरखनाथ मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ आरंभ हुई, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए झूमते गाते नजर आए। यहाँ पे गोरखनाथ बाबा जब से स्थापित हुए हैं, तब से हमारे 4GR के पलटन के जितने पांचों पलटन हैं, 15 राष्ट्रीय राइफल और 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के जितने हमारे सूबेदार मेजर साहब हो गए और पंडित जी हो गए, सब यहाँ आकर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और सभी के परिवार की मंगल कामना के लिए गोरखनाथ बाबा जी की आराधना करते हैं, जिससे हमारे पूरे पलटन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हम हर साल प्रति वर्ष आते हैं यहाँ पर, पूजा करते हैं और पलटन हमारी देश के किसी भी कोने में सुदूर क्षेत्र में रहती है, वहाँ से आके उनके मंगल कामना के लिए हर साल पूजा करते हैं, जिससे हमारे सेना के लिए हमारे जवान अच्छे से काम कर सके, इसी के शुभ मंगल कामना के साथ हम प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं। पंडित जी, हमने सुना था कि जिस समय यहाँ पर सेंटर हुआ करता तब यहाँ पर हर यूनिट द्वारा अपने मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया था, फर्स्ट 4GR ने अपना एक मंदिर बनाया हुआ है, उसके साथ में 5-4 भी है का मंदिर गोरखनाथ बाबा का है, और सेकंड 4GR ने मंदिर बनाया हुआ है, उसके साथ साथ में 4GR भी है, और थर्ड 4GR ने संसारी माता का एक मंदिर बनाया हुआ है, उसका पूजा भी प्रत्येक वर्ष वार्षिक पूजा के रूप में करते हैं, और अपने जो पलटन के सुख समृद्धि के लिए, जिससे पूरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पूजा करने के लिए तब से बार बार आते हैं और मंगल कामना करते हैं, सुख समृद्धि के लिए करते हैं, जिससे उनके आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति बनी रहे, ऐसे ही पूजा करते आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।